नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी दिनेश कुमार पी द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद में मोबाइल लूट और चोरी करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक नगर राहुल श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी नगर संग्राम सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली, क्राफ्ट मेला मैदान के पास 5 संदिग्ध चोरी के 6 मोबाइल और 2 अवैध तमंचों के साथ खड़े हुए हैं। तत्काल नवाबाद थाना प्रभारी विनोद मिश्रा के निर्देशन में उप निरीक्षक राजेश पाल सिंह, उप निरीक्षक शिवजीत सिंह, उप निरीक्षक अजीत शर्मा, उप निरीक्षक रणविजय सिंह फोर्स के साथ पहुंचे और 5 व्यक्तियों को घेर कर हिरासत में ले लिया। जमा तलाशी में पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे व 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए, साथ ही अलग अलग कंपनी के 6 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी भी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम क्रमशः इमरान, कल्लू, जावेद, सोनू कुरैशी और सलमान कुरैशी हैं, जबकि गैंग के 4 अभियुक्त अभी फरार हैं, जिनमें आकाश वाल्मीक और सादिक के साथ 2 अभियुक्त अज्ञात हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी नवाबाद विनोद कुमार मिश्र, उप निरीक्षक राजेश पाल, उप निरीक्षक शिवजीत सिंह, उप निरीक्षक अजीत शर्मा, उप निरीक्षक रणविजय सिंह, प्रधान आरक्षी कलीम खां, आरक्षी अतीक और आरक्षी सुनील सम्मिलित रहे। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में जनपद में अपराध अपराधियों के खिलाफ तक कार्रवाई की जा रही है। उसी के क्रम में थाना नवाबाद की टीम लगी हुई थी, जिसमें 5 शातिर अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें इरफान, कल्लू, सलमान, जावेद और सोनू कुरैशी हैं। इन लोगों का मोबाइल लूटने और चोरी करने का गैंग है। ये कहीं भी खुला मकान देखते हैं वहाँ घुसते हैं, मोबाइल चुराते हैं। प्लस इसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो मोबाइल को लेता है, उसको फॉर्मेट करता है, उसको बेचने का काम करता है। हमने 2 असलाह इनसे बरामद किए हैं और कुल 6 मोबाइल मिले हैं, जो सारे मोबाइल कनेक्ट हो गए हैं। इनसे गहनता से जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है कि इनको मोबाइल बेचे हैं और कितनी चोरियाँ इन्होंने या लूट की। ये बाइक से जाते हैं और जो लोग फ़ोन पर बात करते हैं उनसे झपट्टा मार के मोबाइल छीन जाते हैं। पूरा प्रयास हम लोग का है, SPCD सर, मैं, थाना प्रभारी और हमारे कप्तान साहब इसी मामले में लगे हुए हैं। हम लोग लगातार निरंतर चेकिंग करवाते हैं और हम कोशिश है कि इनसे हम और डेवलप करें चीज़ों को, कि और कौन कौन लोग हैं जो इस तरह के काम में संलिप्त हैं। जी, इन लोगों का आपराधिक इतिहास है। कुछ लोगों के खिलाफ 5 मुकदमे हैं, किसके ऊपर 3 हैं, 4 हैं। ये इनका पहले कोई क्राइम हिस्ट्री रहा होगा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। नवोदय प्रेस टाइम्स के लिए झांसी से मोहम्मद शफीक की रिपोर्ट।